मुख्य जो पर्व है वो लक्ष्मी प्रत्यर्थ लक्ष्मी पूजन का है, लक्ष्मी आराधन का है। तो सामान्यतया तो पूरा दिन ही यह शुभ है। जब एक दिन किसी के लिए निर्धारित हो जाए तो उसमें किसी मुहूर्त की अपेक्षा नहीं रहती। तो सामान्यतया आप जब दीपावली का आरंभ हो गया तो सूर्योदय से लेकर के पूरा दिन पूरी रात्रि आप भगवती की आराधना करें और उसमें कहीं से किसी मुहूर्त की कोई अपेक्षा खास नहीं है। लेकिन सामान्यतया ये हम लोगों की धारणा है और कुछ शास्त्र में कहीं कहीं आदेश भी मिलता है कि लक्ष्मी जो है स्थिर रहें। हालांकि उनकी प्रवृत्ति स्थिर है नहीं, वो हैं खुद में चंचला, लेकिन हम लोग उनको स्थिर करने के उद्देश्य से स्थिर लग्न सोचते हैं कि जो हमारे यहाँ मेष आदि राशियों के स्थिर लग्न हैं, स्थिर संज्ञक राशियाँ हैं, उनके जब लग्न आए तो उसी समय हम भगवती की उपासना करें। तो अगर उस दृष्टि को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो सबसे पहले तो प्रातःकाल 7:16 से लेकर के और 9:15 तक पहला स्थिर लग्न मिलेगा। दूसरा जो स्थिर लग्न मिलेगा दोपहर को, वो आपको हम बता दें 1:26 से लेकर के और 2:57 तक मिलेगा। और तीसरा जो सायंकाल वाला प्रमुख लग्न है, जिसको सायंकाल में हमारे यहाँ चूँकि पूजन का भी विधान है, सायंकाल ही हम दीपोत्सव भी करते हैं, तो वो जो है 6:02 से 7:57 तक है। और प्रमुख मुहूर्त इसी को लोग मानते हैं क्योंकि हम दीपोत्सव से लक्ष्मी के आगमन के हम स्वागत की तैयारी करते हैं। दीपोत्सव अर्थात दीपों को जला करके अंधेरे को दूर भगाते हैं, दरिद्रता को दूर भगाते हैं और लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए हम घरों को सजाते हैं, दीप मालिकाओं से सजाते हैं, उल्लास मनाते हैं। तो उस समय जो मुख्य काल समाज में प्रचलित है और शास्त्रों में वर्णित है वो 6:02 से लेकर के और 7:58 तक का काल है। उसके बाद से कुछ लोग रात्रिकालीन पूजन भी करते हैं। तो रात्रिकाल में जो ये मुहूर्त आपको प्राप्त होगा वो रात्रि के 12:30 से लेकर के और 2:44 तक। तो इस तरह से सूर्योदय से लेकर के और अगले दिन अगले सूर्योदय तक, यानी कि 24 घंटे के दिनों में सामान्यतया दीपावली के लिए स्थिर संज्ञक लग्नों का मुहूर्त है। नहीं देखिए, ये सब भ्रांतियाँ हैं, ये सब शास्त्र में ऐसी भ्रांति नहीं होनी चाहिए। ये दीपावली निर्धारित करने के लिए कि दीपावली कब होगी उसके लिए अमावस्या की ज़रूरत होती है। अमावस्या कब तक है उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि जन्माष्टमी दिन भर नहीं रहती है लेकिन हम लोग व्रत रहते हैं क्योंकि 12:00 अष्टमी प्राप्त होनी चाहिए, वैसे ही दीपावली के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि पूरी रात अमावस्या रहे। दीपावली सायंकाल होनी चाहिए, यानी कि सूर्यास्त के बाद दीपावली का अगर मान अमावस्या का मान अगर मिलता है तो उस दिन दीपावली मनाएंगे। अब वो अमावस्या 7:00 तक रही, 8:00 तक की रही, उससे पूजन का कोई संबंध नहीं है कि 9:16 तक अमावस्या है तो उसी समय तक हम भगवती की आराधना करें, लक्ष्मी का पूजन करें, ऐसा कदापि नहीं है। ये भ्रांति है, इस दूर होनी चाहिए। यानी कि आप पूरी रात पूजन कर सकते हैं। अमावस्या तिथि निर्धारित, ये पर्व निर्धारित करने के लिए अमावस्या का मान देखा जाता है, न कि पूजन करने के लिए।